अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक नया इवेंट टोकन देखने को मिल रहा है जो कि आने वाले अपडेट में अपडेट के बारे में बताएगा। तो बिना देरी के जल्दी से इवेंट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है अंदर इवेंट टोकन के यहाँ पे, जहाँ पे सारे के सारे चीज़ें रखी हुई है। तो कहाँ गया वो, अर्चू में जाना है। अर्चू में जाकर टोकन में जाना है और टोकन में जाके यहाँ पर नीचे की तरफ में ये समर इवेंट टोकन दिखेगा, ये वाला एक। और उसके साथ में एक और टोकन देखने को मिलेगा, वो ये वॉर ऑफ रियलम वाला टोकन। अब ये जो इवेंट है, ये हो सकता है मे बी 15 दिन का जो इवेंट कॉस्ट आता है, इवेंट क्वेस्ट, वो 15 दिन का इवेंट कॉस्ट हो, जिसमें मेगा टी ओ टिकट, उसके बाद में वो 6 स्टार मेगा टी ओ टिकट, 6 स्टार मेगा रैंक टिकट और भी ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट आइटम जिस इवेंट में दिया जाता है, वो है 15 दिन का इवेंट कॉस्ट। और इवेंट कॉस्ट आएगा उसके साथ में ये जो स्कूल समर टोकन आया हुआ है, ये समर इवेंट मतलब समर सेल का इवेंट टोकन है जो कि आएगा, जिसके अंदर पेड यूनिफॉर्म रहेंगे। और ये टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा कम से कम क्वान्टिटी में 30 टोकन कलेक्ट करने के बाद में एक यूनिफॉर्म मिलेगा, पेड यूनिफॉर्म। और वैसे वाले यहाँ पर मैं स्पाइडर गोइन क्या नाम था उसका, डेडपूल, ग्वेनपूल और ऐसे और 5-6, 7-8 यूनिफॉर्म होंगे जो समर सेल में देखेंगे, जैसे एंचेंट्रेस का पुराना वाला यूनिफॉर्म, केबल का पुराना वाला यूनिफॉर्म, उसके साथ में वो और कौन सा यूनिफॉर्म था, आइसमैन का यूनिफॉर्म था, उसके बाद स्टॉर्म का यूनिफॉर्म था, और 2-4 और 5-6 कैरेक्टर होंगे उसके अंदर। तो वो सबके कैरेक्टर के पुराने वाले यूनिफॉर्म, वो सबको अगर इंक्लूड किया जाए तो काफ़ी सारे यूनिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे समर सेल में। और समर सेल में इतने यूनिफॉर्म कन्फर्म है, 100% गारंटी नहीं दे सकता भाई, इस गेम में गारंटी देना मतलब अपने मुंह पे चप्पल मारने के बराबर है, बात बराबर है। तो मैं जो बता रहा था वो ध्यान से सुन लो, ये 2 इवेंट टोकन आने वाले हैं तो अपकमिंग जल्दी देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था जुलाई के एंड में समर सेल स्टार्ट होगा, तो समर सेल आता ही होगा। वेट एंड वॉच। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मटेरियल ले लिया है, चेक इन इवेंट आ चुका है, 7 डेज़ का कुछ इवेंट है। वो 7 डेज़ का इवेंट में ज़्यादा कुछ खास आइटम है नहीं। रैंक अप टिकट उठा लिया होगा, आई होप करता हूँ कि सबने रैंक अप टिकट उठा लिया होगा। कल के वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने, रैंक अप टिकट इंपॉर्टेंट है तो उसको ले लेना, एंड नहीं लिया है तो कलेक्ट कर लेना। एक और 10 टोकन चाहिए, 10 टोकन लेने के लिए 4 कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है, करते हैं फिर। ओके, तो रैंक अप टिकट बाय कर लेना है। और ये मैंने रैंक अप टिकट ले लिया है, 4 स्टार का रैंक अप टिकट कलेक्ट, और टोटल रैंक अप टिकट है अभी कलेक्शन में मेरे पास में 2 स्टार के रैंक अप टिकट 9, 3 स्टार के रैंक अप टिकट 20, 4 स्टार के रैंक अप टिकट 39, 5 स्टार के रैंक अप टिकट 10, खाली 10 ही है यार, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 5 स्टार के रैंक अप टिकट का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। और 6 स्टार के रैंक अप टिकट है 30, अभी तक 30 रैंक अप टिकट जमा हो चुके हैं 6 स्टार। ओके, 5 स्टार की क्वांटिटी काफ़ी कम है, मतलब अगर मैं 2-3 कैरेक्टर को भी अगर 5 स्टार करना चाहूँ और 5 स्टार से 6 स्टार करना चाहूँ तो मेरा काम लटक जाएगा, लिटरली काम लटक जाएगा, कैरेक्टर फंस जाएंगे। तो 5 स्टार के रैंक अप टिकट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं इसको जल्दी से कवर करना पड़ेगा।